हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो विविध प्रश्न का संपूर्ण प्रश्न हल कर रहे हैं उसका 8वां पार्ट होगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, ओकुन का नियम स्थापित करता है। ओकुन का कौन सा नियम है, जो उनकी कौन सी परिभाषा है, ये बताना है आपका आपको। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको देख सकते हैं, बेरोजगारी एवं वास्तविक घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक संबंध, इन्होंने ये नियम बताया था ओकुन ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओकुन का नियम बताता है कि बेरोजगारी में एक बिंदु की वृद्धि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो है ऋणात्मक वृद्धि को दो गुना कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध समीकरण कौन सा है, ठीक है। जीएनपी आबादी के आधार पर जो जीएनपी है उसका शुद्ध समीकरण कौन सा निर्धारित होता है। तो जीएनपी बराबर क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, यही ना फार्मूला है। जहाँ पे आपका सी क्या है, यहाँ पे सी आपका हो जाएगा उपयोग में व्यय, आई क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर, और जी क्या हो जाएगा सरकारी व्यय, और एक्स क्या हो जाएगा आपका निर्यात, एवं एम क्या हो जाएगा आयात को प्रदर्शित करना है। तो आपका जो समीकरण होगा वो समीकरण होगा जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये समीकरण आपका सही है, ठीक है। व्यय अवधि पर व्यय जो है अवधि के आधार पर जीएनपी की गणना करते समय खुली अर्थव्यवस्था अथवा चार क्षेत्रीय मॉडल में समीकरण प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ ये समीकरण आपका सही है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जेम्स ड्यूजेन बरी द्वारा, ठीक है। जेम्स ड्यूजेन बरी के द्वारा जो है सापेक्ष आय परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। इन्होंने आय परिकल्पना में प्रतिपादित किया, आय तथा उपभोग के बीच आधारभूत संबंध आनुपातिक ही हैं। साथ ही सुझाव दिया था कि मूलतः उपभोग संबंध जो है दीर्घकालिक या आनुपातिक है, और औसत आय जो होती है वो प्रवृत्ति एपीसी या सी बटे वाई पर स्थिर रहती है, ठीक है। यही प्रतिपादन इन्होंने दिया था इस परिकल्पना में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी, यह कथन किसका था। तो ये कथन था महात्मा गांधी का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है सेवन डेली साइंस, उनकी एक पुस्तक थी एस ई वी ई एन सेवन डेली सिंग्स, ठीक है, से जो है वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है। इन्होंने एक परिभाषा दिया था वेल्थ विदाउट वर्क, इसमें इन्होंने बताया था, जिसका अर्थ है कुछ करे बिना संपत्ति बनाना चाहते हैं, इसके लिए वह वस्तुओं और व्यक्तियों को अपने मतलब के लिए जोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितना कार्य की कमी, तो ये महात्मा गांधी का कहा हुआ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है। तो विपन्नता सूचकांक किसको प्रदर्शित करता है, तो स्फीति की दर तथा बेरोजगारी दर के योग को, ठीक है, स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के योग को प्रदर्शित करता है, ठीक है, विपन्नता सूचकांक। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। तो विविध प्रश्नों में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे इसके पहले का पार्ट। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, उसी तरह से प्रश्न बनाए जाएंगे।
तो अगला क्वेश्चन है, माना 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किग्रा है, 5 व्यक्तियों के वजन का औसत जो है 45 किग्रा है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों के वजन का औसत जो है 55 किग्रा है, तब पांचवें व्यक्ति का वजन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 व्यक्तियों का वजन आपका दिया है कितना, 50 किग्रा। ठीक है, 9 व्यक्तियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो 9 × 50 कर देंगे, 9 × 50 बराबर कितना हो जाएगा, 450 किग्रा हो जाएगा, 450 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम पांच व्यक्तियों की कितना है, 45 किग्रा है, तो प्रथम पांच व्यक्तियों की कुल कितना हो जाएगा, 5 × 45 हो जाएगा, 5 × 45 हो जाएगा, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 किलोग्राम हो जाएगा, 225 केजी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अंतिम पांच व्यक्तियों का दिया है 55 किग्रा, तो अंतिम पांच व्यक्तियों का 55 किग्रा है कितना हो जाएगा, तो 5 × 55 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 5 × 55 करेंगे तो 275 किलोग्राम हो जाएगा, 275 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ क्या रहा है, प्रथम पांच तथा अंतिम पांच व्यक्तियों का कुल वजन कितना है, पहले इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्रथम पांच का कितना आया है, 225, और अंतिम पांच का कितना आया है, 275, तो 225 और प्लस 275, जब इसको हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, 500 किलोग्राम आ जाएगा। अब पांचवें व्यक्ति का यहाँ पूछा है, पांचवें व्यक्ति का वजन निकालना है, तो पांचवें व्यक्ति का वजन कितना है हो जाएगा, कुल 9 व्यक्तियों का कितना दिया था, 450 दिया था, और अंतिम पांच और प्रथम पांच का कुल जो कितना हो गया था, 500, तो एक व्यक्ति का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 500 माइनस क्या कर देंगे, 450 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 किग्रा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 किलोग्राम, तो अंतिम पांचवें व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 50 किलोग्राम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग द पुअर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ये B.S. Minhas, ठीक है, B.S. Minhas ने किया था प्लानिंग द पुअर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में केंद्रीय लोक व्यय में साधारण वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज का भुगतान, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। ठीक है, हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो ब्याज भुगतानों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है, क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जो है विभिन्न खर्च हुए हैं। ठीक है, जैसे 80-81 सन में कुछ और था, 90-91 में कुछ और हुआ, 2000-2001 में कुछ और हुआ, 2010-11 में कुछ और हुआ, तो उस तरह से अगर हम देखें जाएँ तो जो केंद्र सरकार द्वारा ऋणों के ब्याज में भुगतान में हुई है, तो हमेशा वहाँ पे जो है वृद्धि ही देखी गई है। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आय की असमानता की माप नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नेट्स वक्र, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुटनेश वक्र, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे ऐसे बनता है। ठीक है, ये कुछ नेट्स वक्र इसी तरह से बनता है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेट्स वक्र केवल यह प्रदर्शित करता है कि विकास के साथ विषमता घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, इधर बढ़ती है और यहाँ पे घटती जाती है। ठीक है, और यह विषमता की डिग्री नहीं नापता कि यह विषमता का माप गुणात्मक विधि है, जबकि और सारे बहुत वक्र हैं, जो लारेंज वक्र हुआ, मिनी गुणांक हुआ, ये सभी जो है आय की विषमता की माप से संबंधित ये भी हैं, लेकिन इसे विभिन्न आय के वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के आधार पर जो है इसको नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आय की असमानता की माप ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और लारेंज वक्र, ये गिनी गुणांक वक्र और विभिन्न आय वर्गों की जनसंख्या की जो प्रतिशतता दी हुई है, ये आय की असमानता की माप मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है, तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किस पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों में,
कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों में जो है ये लागू होता है। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का उद्देश्य किसी देश की आदर्श जनसंख्या का स्पष्टीकरण करना है। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जिस पर प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया गया है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, परिवार नियोजन रणनीतियां हैं, इसको मिलान करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो लयबद्ध रणनीति के अनुसार बनाई गई थी। ठीक है, लयबद्ध रणनीति से संबंधित थी, परिवार नियोजन रणनीतियां से। ठीक है, तो ए में आपका चौथा सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है चिकित्सा केंद्र रणनीति पर जो है विचार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका यांत्रिकी रणनीति पर विचार किया गया था, यांत्रिकी रणनीति पर विचार किया गया था, तो यहाँ पे सी में आपका तीन हो जाएगा। और चतुर्थ में जो है कैफेटेरिया रणनीति बनाई गई थी। ठीक है, कैफेटेरिया रणनीति बनाई गई थी, तो यहाँ पे डी में आपका ऑप्शन नंबर वन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 2, 3, 1 किसमें है, तो 4, 2, 3, 1 आपका डी ऑप्शन में है, तो कूट नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको आप लोग तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सिंगल क्वेश्चन में भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सभी इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो रणनीतियाँ थी उसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूची दिया हुआ है, सेवाओं के लेन देन के प्रकार हैं और प्रकारों की श्रेणियाँ 21 प्रकार की श्रेणी में आती हैं, इसको मिलान करना है। तो सीमा पारी आपूर्ति ये किस श्रेणी में आती है, तो सीमा पारी आपूर्ति जो है ये प्रथम प्रकार की में आती है, प्रथम प्रकार के श्रेणी में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में एक सही हो जाएगा। और सीमा पार उपभोग किस श्रेणी में आती है, तो ये द्वितीय में होगा। ठीक है, तो बी में दो हो जाएगा। और वाणिज्यिक उपस्थिति किस प्रकार में, तो ये तीसरा में हो जाएगा। ठीक है, और प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति किस प्रकार में आता है, तो ये चौथे में आ जाएगा। ठीक है, तो डी में आपका चार हो जाएगा, यानी क्रम से है ये। ठीक है, ये चारों क्रम से हैं, तो यहाँ पे कूट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये किस प्रकार में आता है, किस श्रेणी में आता है, सिंगल सिंगल करके दे देगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मटेक नामक एशियाई देशों के समूह में कौन है, समूह में हैं कितने देश हैं, तो आप लोग जानते हैं उनके 7 देश हैं ना। बिस्मटेक की स्थापना कब हुई थी, 1997 में बैंकॉक में की गई थी। म्यांमार को शामिल कर लिए जाने से इसका नाम जो है बिस्मटेक हो गया। ठीक है, BIMSTEC, यही ना पूरा नाम उसका। तो बी से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। ठीक है, और ई से इकोनॉमिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कितने देश हो गए, 2, 2, 4, 5, 6, 7 देश। ठीक है, और 6 फरवरी 2004 को नेपाल, ठीक है, नेपाल तथा भूटान को इसमें शामिल किया गया। तो 5 वो थे, 2 ये 7 देश। ठीक है, तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान, 7 देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन लगा सकते हैं, बिस्मटेक में जो है 7 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय जाता है, विकास केंद्रित विचार के लिए, तो ये जाता है आपका सैमुएलसन को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैमुएलसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने अपने विचार में बताया था कि आर्थिक समस्या को सही रूप से प्रस्तुत किया गया तथा अर्थशास्त्र को जो है प्रावैगिक बनाया इन्होंने, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था, तो एक किया था रैगनर फ्रिस ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रैगनर फ्रिस ने जो है व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था।
व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के दो मार्ग बताए गए हैं। और पहले का संबंध जो है व्यष्टि का जो संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से है, जबकि समष्टि का जो संबंध होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय जो है गठित किया गया, तो कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1985 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1985 में जो है पूर्णकालिक रूप से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षित करना, प्रदूषण को रोकना तथा नियंत्रित करना, पशुओं वनस्पतियों वनों तथा वन्य पशुओं को जो है संरक्षित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 को किस संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में अपनाया गया? ठीक है, तो किसे जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में अपनाया गया था? तो ये प्रौद्योगिकी को, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2005 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष तथा प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी को जो है अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 इस विषय पर केंद्रित है, किस विषय पर? तो ये सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण स्थापित करना, इस विषय पर जो है ये केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था कायम करने जिसमें जो है मौद्रिक तथा आर्थिक स्थिरता हो, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में जिससे में जो है विश्व स्तर पर सभी जगह विकास तथा समृद्धि हो, ऐसी व्यवस्था कायम करने में जिसमें जो है विश्व स्तर पर विदेशी व्यापार प्रवर्तित हो, सभी देशी विदेशी व्यापार में जो है समान रूप से लाभान्वित हो। विश्व विकास रिपोर्ट 2016 की विषय वस्तु जो है जनांकी लाभांश है। ठीक है, तो ये थीम पूछा है 2006 का, आप लोग अपडेट हो लीजिएगा 2020 के थीम के बारे में। ठीक है, तो हम करंट का एक वीडियो लाएंगे, उसमें सारे जो है रिपोर्ट के जो थीम होते हैं उनसे संबंधित जो भी हैं उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहरहाल ये 2006 का विषय का जो है थीम पूछा है विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे वो रिपोर्ट था सभी के लिए बेहतर निवेश वातावरण, ए ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो जीएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, जीएनपी होता है एफसी बराबर क्या होता है, एनएनपी प्लस ह्रास माइनस निवल परोक्ष कर। ठीक है, जहाँ पे सकल होने के कारण ह्रास सम्मिलित होगा तथा साधन लागत होने के कारण जो है परोक्ष कर सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि एनएनपी यानी एमपी प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।